नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा पीएम स्वनिधि। तो जैसे ही पहले लिंक आए तो उसको ओपन करना है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। फिर आपको जाना है अप्लाई फॉर लोन में। क्लिक करने के बाद आपको मतलब दूसरा पेज ओपन होगा, तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है। मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ सिक्योरिटी वजह से। फिर आपको क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे ही क्लिक होगा तो आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने जो नंबर डाला था उसके ऊपर ओटीपी आएगा। वेट कर लेते हैं। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो। आधार कार्ड नंबर डाल के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, फिर वेरीफाई पे करना है। ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड नंबर में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाता है आपके सामने एक फॉर्म फिलअप का दूसरा पेज आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो भी मतलब पेज आएगा वो आपको सभी फिलअप करने हैं। जो रेड वाले मार्क किए स्टार वो आपको कंपलसरी फिलअप करना है। पहले हम डाल देते हैं फादर नेम, फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो डालना है, कैटेगरी डालनी है। फिर नेटिविटी में आपको क्या करना है, अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल आएगा, सिटी में रहते हो तो अर्बन आएगा। मैं सिटी में रहता हूँ तो अर्बन डाला। फिर आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस पे कुछ नहीं, रेशन कार्ड नंबर कुछ नहीं। और फिर आपका फैमिली मेम्बर पूछेगा, फैमिली मेम्बर आपके आपके फैमिली है, अगर हाँ है तो उस पर क्लिक करें। और जितने भी मेम्बर रहते उसको मतलब तीन रहते चार रहते, फिर आपको मान ले तीन मैंने सिलेक्ट किया तो तीनों के नाम, रिलेशनशिप मतलब संबंध और उसकी उम्र, वो सब आपको फिल करना है। ध्यान रहे ये डिटेल आप एक बार ही भर सकते हो, उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, तो बी केयरफुली। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है सबों पे क्लिक कर दें। फिर आपको करना है नेक्स्ट नेम ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप क्या काम करते हो उसका सिलेक्ट करना है कैटेगरी। फिर आपको फिक्स मोबाइल मतलब मोबाइल से करते हैं या फिर कोई फिक्स लोकेशन है, तो मैंने लिखा मोबाइल। कितने समय से काम कर रहे हो, मैंने लिखा है तीन साल, तीन चार साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं चार साल के हिसाब से कह देता हूँ, कोई भी डाल दो। फिर आपका लोकेशन और लैंडमार्क जहाँ पे आप काम करते हो वही। फिर स्टेट आएगा, फिर टाउन, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी यूएलई नेम। सिटी में रहता हूँ तो कॉरपोरेशन कर दूंगा। फिर नीचे आने के बाद आपको मंथली इनकम पूछेगा, एवरेज मंथली इनकम जो भी आपकी है वो आप डाल सकते हैं। फिर आपका नेम ऑफ बैंक पूछने वाला है, क्योंकि ये बैंक आपका वही होना चाहिए जिसका आपको लिंक है आधार से। नेम, फिर उसकी ब्रांच, आईएफएससी कोड और उसका अकाउंट नंबर। इन यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको लोन अपने पहले से कोई ले रखी है, अगर ले रखी है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए वो आपको डालना है अमाउंट।
फिर नीचे आपको तीन लोकल रेफरेंस मतलब दो लोकल रेफरेंस मिलेंगे, उसको डालना है, कोई भी डाल दो, कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई आसपास में हो उसका डाल दो, पड़ोसी हो फ्रेंड का हो, उसका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं। दो दिया है तो हम दो फिल करेंगे। फिर जो नीचे वाला जो है अवेलेबल बेनिफिट अंडर योजना में, तो मेरा जो नाम है आयुष्मान भारत में नाम आया है, वो मुझे बेनिफिट मिला। और दूसरी योजना स्वच्छ भारत में, तो हम दो पे टिक मार करके सबमिट कर दें। स्वच्छ भारत, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे वोटर आईडी अपलोड करना है जेपीजी साइज में, आप भी वो अपलोड कर लेते। अपलोड होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हो जाएगा तो आपके सामने ये दो ऑप्शन हो गए, तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप बैंक से ले रहे हो इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो बैंक का मतलब लेजर का मतलब वो बैंक है, तो कहाँ से मतलब आपको लोन लेना है, तो हम डाल देते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, और उसकी ब्रांच, जितने भी ब्रांच है आपकी सिटी में वो आपको शो करेगी, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करके सबमिट करना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एप्लीकेशन नाम और आप लोग आपका एप्लीकेशन आईडी, और आपने कौन से डेट पे वो फॉर्म फिलअप किया था, और उसका लोन अमाउंट जो आपने डाला था कितने की चाहिए थी। हुई फिर तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला वाला है जो मतलब वो एप्लीकेशन दिखाता है, दूसरा वाला जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है जिप फाइल में, दिखा देते वो भी हम। जिप फाइल को अनजिप करके उसको ओपन करना है, पीडीएफ फाइल होगी आपको। ओके, ये आपका पीडीएफ फाइल है, मैंने ऐड करके रखा है। ये पीडीएफ फाइल आपको प्रिंट निकाल के डॉक्यूमेंट जोड़ के आपको बैंक में देना है, जो आपने बैंक सिलेक्ट किया था आपकी बैंक है वहाँ पे आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट सब अटैच करके। फिर तीन पेज का होगा आपको, तीनों के तीनों पेज आपको। अगर आपने गलती से कोई दूसरी बैंक सिलेक्ट कर लिया है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, चेंज प्रिफर्ड लेंडर, तो उसमें आप मतलब क्लिक करके आपको नीचे सिलेक्ट बैंक करना है, सिलेक्ट बैंक एंड उसकी ब्रांच, कौन सी ब्रांच है उसकी, वो सिलेक्ट करके आपको सेव देना है। फिर आपको एप्लीकेशन देखना हो तो देख सकते हैं, डाउनलोड करना है तो फिर से वो डाउनलोड अपडेट वाला। फिर ये तीसरा विद्रॉ जो ऑप्शन है, मतलब आपने जो अभी एप्लीकेशन फिल की है तो आपको कैंसिल करना है, तो आपको विड्रॉ ऑप्शन पे जाके उस पर क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।